हेलो दोस्तों, आप सभी का डिटॉक्स की एक और वीडियो के अंदर स्वागत है, जहां आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नरूटो सीरीज के अंदर दिखाए गए सभी सुसुनो यूजर्स, जो अपीयरेंस में, कलर में बहुत ही ज्यादा अलग होते हैं एक दूसरे से, और उनकी एबिलिटीज भी काफी ज्यादा डिफरेंट होती है एक दूसरे से। तो आज की वीडियो के अंदर हम उन सभी यूजर्स को रैंक करेंगे और उनकी जितनी भी पावर है या फिर एबिलिटीज है उनको भी एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको भी ये आइडिया मिल सके कि वो उस रैंक पे आना डिजर्व क्यों करता है। तो हाँ, वीडियो तो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और काफी ज्यादा कमाल की भी होने वाली है, तो एंड तक जरूर बने रहना ताकि आप किसी को मिस ना कर सके। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और उन सभी यूजर्स के ऊपर बात करते हैं। तो सभी यूजर्स की रैंकिंग करने से पहले मैं बता दूं कि जब कोई उचीहा किसी हादसे या फिर किसी मेंटल ट्रॉमा से गुजरता है, तब वो अपनी मांगी की उस सारिंगन को अनलॉक कर लेता है, जो बेसिकली हमारे सारिंगन का सेकंड लेवल है। अब दोनों आइस के अंदर मांगी की उस सारिंगन होने की वजह से वो यूजर सुसुनो को यूज कर सकता है, जो एक बहुत ही बड़े सैमुराई क्रिएचर टाइप का हमें देखने को मिलता है, जो बेसिकली उस यूजर के चाक्रा से मिलकर बनता है और वो उस यूजर की विल की अकॉर्डिंग एक्ट करता है। जैसा वो यूजर चाहता है वो वैसे ही काम करता है, जो सबसे पहले हमने देखा था इताची वर्सेस सास्के की फाइट में इताची के पास, और हम तभी समझ चुके थे कि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब सुसुनो की जो पावर है वो यूजर बाय यूजर वेरी करते हुए देखने को मिलती है, जो ऑब्वियसली अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इनके जो अलग अलग कलर हमें देखने को मिलते हैं उसका बेसिक रीजन ये है कि जो हम ऑडियंस इस सीरीज को देख रहे हैं वो इन सभी यूजर्स के बीच में कंफ्यूज ना हो जाए, ताकि हम इजिली डिफरेंशिएट कर सके, इसलिए इनको अलग अलग कलर दिए गए हैं। और ये भी कह सकते हैं कि इनको जो डिफरेंट कलर दिए गए हैं वो इनके नेचर को दर्शाता है, जैसे कि हमने इंद्रा का कलर देखा है वो उसकी डार्कनेस को दर्शाता है, और ऐसे ही अलग अलग कलर। अब आप इतना तो समझ ही चुके होंगे कि मांगी की शारिंगन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है सुसुनो को यूज करने के लिए, लेकिन यूजर सिर्फ स्केलेटल या फिर ह्यूमनॉइड फॉर्म को ही यूज कर सकता है सुसुनो की। अगर उसको फुल बॉडी यूज करनी है सुसुनो की, तो उसके पास इटर्नल मांगी की शारिंगन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना वो उसके बिना फुल बॉडी आर्मर वाला नहीं यूज कर सकता है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली एक दो एक्सेप्शन है इस सीरीज के अंदर, जो भी हम मेंशन जरूर करेंगे। तो देखो, अब तक तो हमने टोटल 7 यूजर्स देखे हैं जो सुसुनो को यूज कर सकते हैं, तो चलिए उनको अब फाइनली रैंक करते हैं, जिसमें से नंबर 7 पे हमें देखने को मिलता है सुसुई उचीहा, और उसका जो सुसुनो था वो हमें डार्क ग्रीन कलर में देखने को मिलता है। देखो, सुसुई जो है एक जोनिन लेवल का शिनोबी था, जो बहुत ही ज्यादा स्किलफुल और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड माना जाता था, और थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के दौरान उसने किसी अपने करीबी की डेथ देखी थी, जिसके चलते वो अपनी मांगी की शारिंगन को अनलॉक कर देता है, जिसकी वजह से वो सुसुनो को यूज कर सकता था। अब हमारे सुसुई के सुसुनो की सिर्फ दो फॉर्म है, एक ह्यूमनॉइड फॉर्म एंड एक कंप्लीट फॉर्म। अब देखो, सीरीज के अंदर हमने सुसुई को सुसुनो को उतना ज्यादा यूज करते हुए नहीं देखा है, तो हम उतना ज्यादा आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि उसका सुसुनो कितना ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन अगर टेक्निक की बात करें तो वो श्रीकेन जुत्सु को यूज कर सकता था, और इसी के साथ वो कोटो अमात्सुकामी को भी यूज कर सकता था, जिसकी हेल्प से वो लोगों के माइंड को कंट्रोल कर पाता था। अब ऑब्वियसली ये चीज वो अपने सुसुनो के साथ भी यूज कर सकता था, वो भी और भी ज्यादा अच्छे तरीके से, जो उसे थोड़ा बहुत स्ट्रांग बना देता है। एंड इसके बाद हमें देखने को मिलता है नंबर 6 पे इंद्रा ओसुसुकी का सुसुनो, जो बेसिकली हमें पर्पल कलर के अंदर देखने को मिलता है। अब देखो, इंद्रा जो है हमारे हागोरोमो का सबसे बड़ा बेटा था, जो एक ओसुसुकी क्लैन का मेंबर भी था, और आप ये चीज जानते ही हो कि ओसुसुकी क्लैन के जितने भी मेंबर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और हमें इंद्रा भी उसी तरीके से देखने को मिलता है, जो बचपन से ही काफी ज्यादा जीनियस माना जाता था, और उसके बैटल करने का तरीका काफी ज्यादा अलग था, और अपने बाप से एक स्ट्रॉन्ग चाक्रा के मिलने की वजह से वो अपनी शारिंगन को काफी जल्दी अनलॉक कर लेता है, और टाइम के साथ वो उसे मांगी की शारिंगन में भी कन्वर्ट कर लेता है, जिसके चलते वो भी सुसुनो को यूज कर सकता था। लेकिन उसने सिर्फ हमारे स्केलेटल फॉर्म एंड कंप्लीट बॉडी सुसुनो फॉर्म तक ही अनलॉक कर पाई थी, वो भी बिना इटर्नल मांगी की शारिंगन के। तो हाँ, एक्सेप्शन यूजर तो वो था ही। एंड अगर हम बात करें कि उसके सुसुनो की टेक्निक के बारे में, तो वो सुप्रीम निंजुत्सु, टाइजुत्सु एंड डोजुत्सु को यूज कर सकता था, जिसके चलते वो आसुरा को टक्कर दे पाता था। एंड इसके बाद नंबर 5 में हमें देखने को मिलता है इताची उचीहा का सुसुनो, जो बेसिकली रेड एंड ऑरेंज कलर के अंदर हमें देखने को मिलता है, लेकिन मांगा के अंदर इसका कलर येलो था। अब देखो, हमारा इताची काफी ज्यादा फैन फेवरेट कैरेक्टर है, जो अपनी क्लैन की बत्ती बुझाने के लिए जाना जाता है, जिसने
ने अपनी मांगे की शारिंगन को तब अनलॉक किया था जब इसके बेस्ट फ्रेंड यानी सुसुई ने अपनी जान दे दी थी, वो भी इसी के सामने। अब उसी की हेल्प से इताची अमात्रेसु एंड ऑल पावरफुल सुकीयोमी जैसे गिनजुत्सु को यूज कर सकता था। एंड बात करें उसकी सुसुनो की एबिलिटी के बारे में तो वो होंगी एडवांस चक्रा कंट्रोल, निंजुत्सु एंड गिनजुत्सु ऑब्वियसली क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल गिनजुत्सु यूजर माना जाता था। एंड वो बुकीजुत्सु को भी यूज कर सकता था, बुकीजुत्सु यानी कि वेपन को यूज करना बेसिकली। एंड इताची का जो सुसुनो था वो बेसिकली डिफेंसिव टाइप का था। अब सबसे ज्यादा कमाल की बात की हमारा इताची दोनों आई से सुकीयोमी को एक्टिवेट कर सकता था। एंड हाँ, हमने सीरीज के अंदर उसके पास फुल बॉडी सुसुनो तो नहीं देखा है क्योंकि वो चीज नहीं दिखाई गई है, लेकिन गेम के पर्सपेक्टिव से देखे तो हाँ उसमें ये चीज कंफर्म जरूर करी गई है। लेकिन सीरीज के अंदर हमने उसकी स्केलेटल फॉर्म एंड ह्यूमनॉइड फॉर्म तो देखी है जिसके अंदर वो वेपन्स को भी होल्ड कर सकता है, जैसे कि एक हाथ के अंदर याटा मिरर जो एक शील्ड की तरह काम करता है जो किसी भी अटैक को डिफ्लेक्ट कर सकता है, दूसरा टोटसु का ब्लेड जो एक सीलिंग स्वॉर्ड की तरह काम करता है जिसे वो अटैक के पर्पज से यूज करता था। अब अफसोस कि हमने इताची को इसे इतना ज्यादा यूज करते हुए नहीं देखा है क्योंकि जब हमने देखा था तो वो अपने भाई से फाइट कर रहा होता है तो वो ऑब्वियसली ऑल आउट तो नहीं जाता है, वरना इताची और भी ऊपर जा सकता था क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है इताची बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में से एक है। एंड इसके बाद नंबर फोर्थ पे हमें देखने को मिलता है काकाशी हटाके का सुसुनो, या फिर आप उसे ओबिटो का भी सुसुनो कह सकते हो, क्योंकि आप ये चीज जानते हो कि हमारा काकाशी किसी उचिहा क्लैन से बिलोंग नहीं करता है। उसके पास जो आई देखने को मिलती है वो ओबिटो की आई होती है जो थर्ड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब ओबिटो मरने वाला होता है तब वो अपनी एक आई काकाशी को दे देता है, जिसके बाद हमारा काकाशी उस आई को यूज करके काफी ज्यादा फेमस हो जाता है। और टाइम के साथ हमें देखने को मिलता है कि उसने मांगे के शारिंगन को भी अनलॉक कर लिया होता है जो टाइम के साथ काफी ज्यादा इंप्रूव होते हुए हमें देखने को मिलती है। अब काकाशी का सुसुनो की जो अपीयरेंस है वो काकाशी की तरह ही देखने को मिलती है, जहां पे उसका जो एक स्कार है जो बहुत ज्यादा फेमस है वो भी उसके सुसुनो पे देखने को मिलता है, और उसका जो बेसिक कलर है वो हमें लाइट ब्लू कलर की फॉर्म में देखने को मिलता है। अब काकाशी की आई की तरह ही उसकी जो सुसुनो है उसके अंदर वो कुमोई को यूज कर सकता है जो एक स्पेशल स्पेस टाइम जुत्सु है जिसके अंदर वो किसी भी अटैक या फिर पर्सन या फिर इवन खुद को भी एक दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देता है या फिर वहां पे भेज सकता है, जो उसको बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाती है। और हमने देखा है कि उसने इसे कितने बेहतरीन तरीके से यूज करके दिखाया है, जिसकी वजह से हमारा काकाशी हटाके इस रैंक पे आना डिजर्व करता है। एंड ऑब्वियसली उसकी सुसुनो के पास भी और भी काफी कमाल की पावर थी, जिसके हिसाब से उसकी जो स्पीड है, स्ट्रेंथ है फिजिकल वाली, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एंड इसके बाद नंबर थर्ड पे हमें देखने को मिलता है मादरा उचिहा का सुसुनो। देखो मादरा उचिहा नो डाउट गॉड लेवल की स्ट्रेंथ को तो पोजेस करता ही था, लेकिन इसी बंदे के पास हमने सबसे पहले फुल बॉडी सुसुनो को देखा था और इसकी जो एक्चुअल ट्रू स्ट्रेंथ हमें विटनेस करने को मिलती है, उसके बाद हमें आइडिया लगता है कि ये जो टेक्निक है कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है और कितनी ज्यादा पावरफुल भी। अब उसका जो बेसिक कलर था वो हमें डार्क ब्लू कलर के अंदर देखने को मिलती है। वैसे मादरा ने अपनी शारिंगन को काफी छोटी एज में अनलॉक कर दिया था क्योंकि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को मार के मांगे को शारिंगन भी हासिल कर दी थी, तो वो हमारे सुसुनो को बहुत पहले से यूज करता हुआ आ रहा है। और एक कमाल की बात बताऊं कि मादरा अपने सुसुनो के साथ हाशिरामा से 3 दिन तक लगातार बिना रेस्ट किए लड़ता है, जो बताता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। अब ऑब्वियसली वो उसे हरा नहीं पाता है, लेकिन आप आइडिया लगा सकते हो क्योंकि इसके अंदर चक्रा बहुत ज्यादा यूज होता है। अब उसके सुसुनो की जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी वो बहुत ही ज्यादा थी, और उसके पास एक स्वॉर्ड भी थी जो शॉक वेव प्रोड्यूस करती थी, जो सिंगल ब्लो में किसी का भी काम खत्म कर सकती थी। एंड उसके पास हमें एक शील्ड भी देखने को मिलती है जो अटैक एंड स्ट्रांग डिफेंस के लिए यूज की जाती थी, जिसकी मदद से उसने टेल बीस्ट जैसे को भी कंट्रोल कर लिया था जो उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना देती है। और उसके सुसुनो को एक अलग से नाम भी दिया जाता है जो है फ्लॉलेस सुसुनो, जो बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है अपने आप में ही। एंड इसके बाद नंबर टू पे हमें देखने को मिलता है होगोरोमो का सुसुनो। होगोरोमो जिसे हम फोर फादर भी कहते हैं हमारे शिनोबी वर्ल्ड का, जो सीज ऑफ सिक्स पाथ के लिए जाना जाता है, और आपको तो पता ही होगा कि ये बंदा भी ओसुसुकी क्लैन का एक मेंबर है, तो ये तो आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो कि ये बंदा तो पहले से ही हमें पता लग जाता है कि कितना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता था। लेकिन होगोरोमो का जो सुसुनो है उसका साइज कितना ज्यादा बड़ा है ये आप आइडिया भी नहीं लगा सकते हो। बेसिकली हमने जितने भी यूजर अभी तक देखे हैं या आप इसके बाद जो देखोगे उन सभी में साइज के कंपैरिजन में होगोरोमो टॉप 1 में आता है, क्योंकि इसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा था, ऑलमोस्ट 10 टेल बीस्ट के अराउंड। अब होगोरोमो का जो सुसुनो था उसका जो कलर था वो बेसिकली लाइट ब्लू कलर था, और उसके हेड पे हमें एक मास्क भी देखने को मिलता है जिसके अंदर होगोरोमो की ही अपीयरेंस देखने को मिलती है। अब वो कितना ज्यादा बड़ा था ये तो
मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था क्योंकि ये कागुआ के टैन टेल को टक्कर दे पाता है और उसका एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक को भी डॉच कर लेता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टैन टेल बीस्ट बॉल अटैक को, जिसे वो बहुत ही आसानी से डॉच करते हुए दिखाई देता है। तो हाँ, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो था, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा और एक्शन वगैरह में देखते तो शायद हम इसे नंबर वन पे आसानी से रख देते। तो नंबर वन पे आने वाला जो यूजर है वो स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा माना जाता है, और हमने ये चीज काफी टाइम बार विटनेस भी करी है कि ये क्यों नंबर वन पे आना डिजर्व करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नंबर वन पे आने वाले सुसुनो यूजर के बारे में, जो है हमारा सास्के उचिहा। अब सास्के इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास हमने पांच डिफरेंट टाइप्स के सुसुनो देखे हैं, जैसे कि स्केलेटल, ह्यूमनॉइड, आर्मर्ड, कंप्लीट बॉडी एंड इंद्रा सुसुनो, और सभी में डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स वो कैरी करता है, जैसे शॉर्ट एंड बॉ एंड एरो, जिन्हें वो अपने अमात्रेसु एंड लाइटनिंग चाक्रा से कोड करके उन्हें और भी ज्यादा डेडली बना देता है। और जब वो रेनेगन को भी अनलॉक कर लेता है तो उसके सुसुनो की जितनी भी पावर थी वो और भी ज्यादा बूस्ट हो जाती है। एंड अगर हम कलर की बात करें तो एनिमी के अंदर तो ये बेसिकली पर्पल कलर का देखने को मिला है, लेकिन मांगा के अंदर ये हमें ब्लू कलर में देखने को मिला है। देखो, सास्के का जो कंप्लीट सुसुनो फॉर्म है वो ग्रेट फायरबॉल टेक्निक और चिडोरी जैसी टेक्निक को भी यूज कर सकता है एज अ वेपन, लेकिन जो उसकी इंद्रा फॉर्म है उसके अंदर वो बो एंड एरो को यूज करता है, जो बहुत ही कमाल के अटैक है जो कभी कभी बहुत ही ज्यादा डेडली हो जाते हैं, तो वो उसको बहुत पावरफुल भी बना देती है। और उसकी जो परफेक्ट सुसुनो फॉर्म है उसके पास तो उसमें विंग्स भी आ जाती है, तो वो इजिली फ्लाई भी कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि हमने उसे सुसुनो एक दो बार ही यूज करते हुए देखा है, हमने सीरीज के दौरान काफी बार उसके पास ये टेक्निक यूज करते हुए देखा है, जो ये चीज प्रूव कर देती है कि क्यों वो स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा है और वो क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट सुसुनो यूजर में से एक है। क्योंकि ये चीज आपने बरूटो के अंदर भी देखी होगी अभी, कि हमने कितनी सारी फाइट में उसे इस चीज के साथ कमाल करते हुए देखा है। तो होप करते हैं कि आपको ये जो लिस्ट है ये पसंद आई हो, लेकिन देखो रैंकिंग जो होती है वो हमेशा सब्जेक्टिव बेस होती है, मतलब मेरा ओपिनियन ऑब्वियसली आपके ओपिनियन से थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो अगर आप चाहो तो अपने रैंकिंग को कमेंट में मेंशन कर सकते हो कि आपके हिसाब से आपकी रैंकिंग क्या हो सकती है। बाकी इसके अलावा अगर आपको कमेंट में कोई भी सजेशन देना हो या फिर कोई कमी बतानी हो तो आप फ्रीली बता सकते हो, हम उसे बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं वहां पे। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको ऐसे ही कमाल की वीडियो और भी देखने को मिलती रहे। बाकी आप और भी कमाल की वीडियो चेक कर सकते हो नरूटो से रिलेटेड, जहां पे हमने उसकी बहुत सारी फॉर्म्स